इंदौर में नाबालिग भांजी का वीडियो बनाकर उसका शोषण करने वाली मामी को कोर्ट ने 2 साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई है। दरअसल नाबालिग पढ़ने के लिए अपनी मौसी के यहाँ आई थी, जहाँ उसकी आरोपी मामी भी रहती थी, जिसके यहाँ कई लड़कों का आना जाना था। इस दौरान वहाँ मौजूद एक युवक ने युवती के साथ अश्लील हरकत की, जिसका वीडियो मामी ने बना लिया और उसे वायरल करने के नाम पर पीड़िता को ब्लैकमेल करने लगी। इसमें कि नाबालिग पीड़िता थी जो सोनकच की निवासी थी, ये इंदौर में पढ़ने के लिए आई थी। ये अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। इसकी मौसी के पास में इसकी मामी कीर्ति पवार रहती थी, जिसके यहाँ इसका आना जाना था। इसकी मामी कीर्ति पवार ने उसको एक दिन घर पे बुलाया और कपड़े कुछ दिए बदलने के लिए। जब ये कपड़े बदल रहे थे, उसका वीडियो बनाया। उसी समय इसकी मामी ने एक आरोपी है बंटी, उसको पहले से ही घर पर बुला के रखा था। उस बंटी ने इसके साथ छेड़छाड़ करी, इसकी मामी ने उसका वीडियो बनाया और उसको लेकर इसकी मामी ब्लैकमेल करती थी। इसी आधार पर ये नाबालिग थी, पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया और विशेष न्यायालय में इसमें चार्जशीट पेश की गई थी। इसमें जो एक आरोपी बंटी है जिसने छेड़छाड़ की थी, वो अभी फरार है और इसकी जो मामी है कीर्ति पवार, उसको कल न्यायालय के विशेष न्यायालय सविता सिंह मैडम के न्यायालय से उसकी मामी को 2 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया।